नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को अम्बाला में जूना पीठाधीश्वराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज की पावन सानिध्य में प्रभु प्रेम पूर्व आश्रम अम्बाला छावनी में श्री हनुमंत आराधना महोत्सव के अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी अवधेशानंद गिरि द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रभु सेवा आश्रम में जो आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वह आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से समाज का मार्गदर्शन करने वाला है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के दौरान कहा कि समाज में पुराने समय से ही अच्छाई और बुराई के बीच टकराव चलता आया है। टकराव में हमेशा ही अच्छाई की जीत हुई है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज के दिन की विशेषता स्वामी जी ने बताई, प्रभु प्रेमी आश्रम में हर वर्ष की भांति आज हनुमंत आराधना महोत्सव इस रूप में ये दिन मनाया गया। मुझे स्वामी जी ने कहा आज के दिन आने के लिए, मैंने सर्च कहा कि किसी न किसी बहाने संतों के प्रवचन सुनकर हनुमान जी की शक्ति का कुछ अंश हम भी समाज सेवा के लिए प्राप्त कर सकें, तो इसलिए मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा, आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। संतों महात्माओं के प्रवचन, आध्यात्मिकता, उनका एक संदेश हमारे सबके जीवन को निर्मल करता है। ऐसे प्रसंगों के माध्यम से जब हम विचार सुनते हैं संतों के, महात्माओं के, आध्यात्मिकता का वातावरण बनता है और बड़े बड़े उत्सव, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो गीता जयंती का अवसर हो, चाहे कोई और संतों के प्रवचनों के माध्यम से बड़े बड़े समागम होते हैं, उस प्रकार का वातावरण होता है, तो उस वातावरण से अच्छी तरंगें चलती रहती हैं। अच्छी तरंगें हम अपनी जगह चलाते रहें और जिन्होंने गलत कर्म करने हैं वो संख्या में कम कैसे करें, उस लाइन को छोटा कैसे करें, ये प्रयत्न कर सकते हैं। सब समाप्त हो जाएंगे सोचना नहीं है। अगर ये सोच बैठे सब समाप्त हो गए तो शायद हम भी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे और सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा उस शक्ति को, बुरी ताकतों को परास्त करने के लिए अच्छी ताकतों को सक्रिय भी रहना पड़ेगा। तो इस सक्रियता को बनाए रखने के लिए मैं आभारी हूँ अपने समाज के संतों का, संतजनों का, कि संतजन हमेशा हमको मार्ग दिखाते रहते हैं। आज यहाँ संतों के प्रवचनों के माध्यम से हम सबको मार्ग मिले। हनुमंत आराधना महोत्सव इसके माध्यम से हमने क्यों नहीं प्राप्त किया? हनुमान जी की कथा हम सब जानते हैं, कोई आज से नहीं, हमेशा ऋषियों मुनियों के मुख से अलग अलग प्रकार से हम सुनते रहे हैं। शक्ति के प्रतीक हनुमान जी, यानी अपने भगवान राम के एक सच्चे भक्त, भगवान राम उनके लिए आदर्श, एक उच्च आदर्श के, एक उच्च स्तर के भक्त, ये कथा कहानी मिलती है। ताकत बहुत हनुमान जी में, लेकिन ताकत के साथ साथ विनम्रता का भाव भी उनको सीखने को मिलता है। उस ताकत के आधार पर उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण से ये लगे कि हाँ उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। आज के युग में कई बार देखते हम कि अगर ज़्यादा ताकत किसी के पास आ जाए, संस्कार न हो, तो उस ताकत का भी दुरुपयोग व्यक्ति कर लेता है। एक कहावत है अंग्रेजी की, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मोस्ट, यानी ताकत के कारण से कई बार व्यक्ति के अंदर अधिकार का जो एक एहसास हो जाता उसके कारण से वो भ्रष्ट भी हो जाता है, और अत्यधिक ताकत आने के बाद बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन उस ताकत के साथ, उस शक्ति का, उस अधिकारों का विनम्रता पूर्वक प्रयोग करना, और वो प्रयोग अपने कर्तव्य भावना से, आखिर इस ताकत का इस्तेमाल अपने कर्तव्य के लिए करेंगे, उस कर्तव्य में हनुमान जी की प्राकाष्ठा हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब प्रसंगों के माध्यम से जीवन की दिशा ये तय होती है। तो उस दिशा के तय होने पर हम अपने जीवन में गलत कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ही करेंगे। आज ठीक काम करने के लिए, एक अच्छी दिशा में चलने के लिए, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, या तो संस्कार नहीं तो दंड। हम दंड की इंतजार क्यों करें कि कोई हमको दंड देगा, इस भय को पैदा करेगा कि गलत करोगे तो दंड लगेगा।
इसके इंतजार नहीं करने चाहिए। ठीक करना तो ठीक ही करना है, इसका संस्कार ये परिवार के हर सदस्य में आए, हमारे में आए, सबके मन में आए, इसका विचार हमको करना चाहिए। वो शिक्षा हो, वो फिर संस्कार हो, वो साहित्य हो, वो ऐसे सत्संग हो, प्रवचन हो, गीता जयंती जैसे कार्यक्रम हो, ऐसे विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन सार्थक होगा। मैं स्वामी जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आकर और सबके दर्शन करने का मौका मिला, और आप जैसे लोगों के प्रवचन सुन करके आपके सानिध्य में थोड़ा समय चाहे बैठने का मौका मिलता, बैठ करके हमको भी एक ताकत मिले कि हरियाणा की अपनी जनता की सेवा कर सके। बहुत बहुत आभार।